हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू के चिप्स की रेसिपी। तो आज के आलू के चिप्स हम बिना उबाले और बिना धूप में सुखाए बनाकर तैयार करेंगे। और खास बात यह है कि इन आलू के चिप्स को आप यहाँ पर साल भर तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये चार आलू लिए हैं बड़े साइज के, तो इन्हें हम छील लेंगे। तो चिप्स बनाने के लिए जब भी आप आलू लें तो कोशिश कीजिएगा कि बड़े साइज के आलू ही लें, और छील कर इन्हें इस तरह से पानी में रखते जाएंगे ताकि आलू हमारे काले ना पड़े। तो आलूओं को छील कर मैंने यहाँ पर पानी वाले बाउल में डाल दिया है। अब मैंने दूसरे बाउल में यहाँ पर साफ पानी ले लिया है, और यहाँ पर ली है ये चिप्स काटने की मशीन। तो ये एक इस तरह का सांचा और है मेरे पास, इससे ये मोटे चिप्स कटते हैं, तो इससे हमें नहीं लेना है। ये इस तरह का बारीक चिप्स कटते हैं, तो ये वाला सांचा हमें लगा लेना है। अब हम एक एक आलू लेंगे, और आलू को हम यहाँ पर इस तरह से लंबाई में इसके चिप्स काटेंगे ताकि हमारे आलू के चिप्स लंबे लंबे निकल कर आए। ये देखिए, इस तरह से लंबाई में आलू को काटने से आप छोटे आलू से भी लंबे लंबे चिप्स यहाँ पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ, पतले पतले चिप्स बने हैं एकदम। इसके आर पार आपको मेरी उंगलियाँ दिखाई दे रही होंगी। तो यहाँ पर ये पतले पतले हम चिप्स काट कर तैयार करेंगे, और बचे हुए तीनों आलुओं से भी हम इसी तरह से चिप्स काट लेते हैं। यहाँ पर मैंने सारे आलू के चिप्स काट कर तैयार कर लिए हैं। ये देखिए कितने पतले पतले इन्हें काटा है, और ये देखिए यहाँ पर आलू ने अपना सारा स्टार्च पानी में छोड़ दिया है, और पानी देखिए यहाँ पर कितना ज़्यादा ये गंदा हो गया है। तो अच्छे से हम आलू को यहाँ पर 2 से 3 पानी से धो लेंगे ताकि आलू का सारा स्टार्च निकल जाए। अगर आलू का स्टार्च नहीं निकलेगा तो हमारे चिप्स यहाँ पर काले पड़ जाएंगे। और ये देखिए, मैंने आलू को अच्छे से 2 से 3 पानी से धो लिया है। देखिए पानी भी कितना साफ हो चुका है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। इधर दूसरी तरफ मैंने गैस में कढ़ाई में 2 गिलास पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। तो अब मैंने यहाँ पर ये इस तरह से छेद वाली ये थाली ले ली है। तो आज के ये आलू के चिप्स मैं यहाँ पर स्टीम करके बना रही हूँ। थाली को अच्छे से सेट कर लेंगे और गैस की फ्लेम को हाई ही रखेंगे। अब एक एक करके हम आलू के चिप्स यहाँ पर थाली में लगा लेंगे। तो बहुत मोटी परत यहाँ पर नहीं लगानी है, एक सरई परत हमें लगानी है। आलू को उबालने से आलू में एक्स्ट्रा पानी भर जाता है, तो उन्हें सूखने में टाइम लगता है। तो इस तरह से हमारे आलू अच्छे से स्टीम भी हो जाते हैं। हमें यहाँ पर स्टीम करके आलूओं को 50% तक ही पकाना है। तो इन्हें ढक देंगे, और ढक कर इन्हें सिर्फ 2 मिनट के लिए हम यहाँ पर स्टीम होने के लिए छोड़ देंगे। गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे, आप देखेंगे सिर्फ 2 मिनट में ही ये आलू हमारे अच्छे से स्टीम होकर पक जाएंगे। तो 2 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं। और ये देखिए आलू किस तरह से ये ट्रांसपेरेंट आपको लग रहे होंगे, देखकर ही लग रहा होगा। मैं आपको चेक करके भी दिखाती हूँ। आलू को ज़्यादा नहीं पकाना है, ये देखिए 50% तक ही इन्हें कुक करना है। ये देखिए ये अच्छे से टूट रहे हैं, तो बस इससे ज़्यादा आलू को नहीं पकाना है। तो ये आलू के चिप्स हम निकाल लेंगे, और बचे हुए आलू के चिप्सों को फिर से यहाँ पर स्टीम करने के लिए रख देंगे। तो बहुत आसान होता है इस तरह से स्टीम करके आलू के चिप्स बनाना, और सिर्फ यहाँ पर 2 मिनट का टाइम लगता है एक बैच के आलू को स्टीम होने में। तो इन आलू के चिप्सों को हमें धूप में सुखाने की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पर एक ही प्लास्टिक की शीट बिछा दी है, तो इसमें हम इन्हें डाल देंगे, और पंखे के नीचे इन्हें इसी तरह से 1 से 2 दिन तक सूखने के लिए रख देंगे। तो अगर आपके यहाँ धूप की दिक्कत है, धूप नहीं आती है, तो आप इस तरह से पंखे के नीचे भी इन आलू के चिप्स को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इन आलू के चिप्स को भी हमारे स्टीम होते हुए 2 मिनट हो चुके हैं, तो चेक कर लेते हैं। और ये देखिए ये भी यहाँ पर अच्छे से स्टीम होकर तैयार हो चुके हैं। तो इन्हें चेक करके मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। ये देखिए, और 50% ही हमें इन्हें कुक करना है, ज़्यादा नहीं। तो इन्हें भी हम निकाल लेंगे, और बचे हुए बाकी सारे आलू के चिप्स भी अब मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। तो बस इसी तरह से एक एक करके हम सारे आलू के चिप्स यहाँ पर स्टीम करके तैयार कर लेंगे। और ये देखिए मैंने यहाँ पर सारे आलू के चिप्स बनाकर तैयार कर लिए हैं, और इन्हें पंखे के नीचे यहाँ पर सूखने के लिए रख दिया है। तो 1 से 2 दिन तक आलू के चिप्स को हम इसी तरह से सूखने देंगे, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से चिप्स बनकर तैयार हुए हैं। और ये देखिए 2 दिन तक पंखे की हवा में सुखाने के बाद हमारे ये आलू के चिप्स यहाँ पर बनकर तैयार हो चुके हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से ये सूखे हैं, और सूखने के बाद तो ये और भी ज़्यादा पतले बनकर तैयार हुए हैं। ये देखिए, तो इन चिप्स की खास बात यह है कि आप इन्हें बनाकर रख लीजिए, और जब भी आपका मन हो तब भी निकालिए और फ्राई कीजिए। तो मैं आपको थोड़ी सी चिप्स यहाँ पर फ्राई करके भी दिखा देती हूँ।
तो यहाँ पर कढ़ाई में मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। तो ये चिप्स हम तेल में डालेंगे, ये देखिए, और एकदम आसानी से ये फूल जाते हैं। देखिए कितने अच्छे से ये फ्राई होकर तैयार हुए हैं। तो इन्हें हम निकाल लेंगे। अब बस जितने चिप्स आपको खाने हैं उन्हें इसी तरह से फ्राई करके तैयार कर लीजिए। अब मैंने यहाँ पर एक कटोरी ली है, तो इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधी छोटी चम्मच चाट मसाला। सारी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमारा आलू की चिप्स के लिए चटपटा मसाला बनकर तैयार है। अब इस मसाले को जितना आपको जिसे चटपटा बनाना है उस हिसाब से यहाँ पर चिप्स के ऊपर डाल दीजिए और इसे यहाँ पर हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी आलू के चिप्स यहाँ पर बनकर तैयार हुए हैं। मैं आपको यहाँ पर एक चिप्स को तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए, आपको इसकी आवाज़ से ही जान पड़ रहा होगा। आप एक बार आलू के चिप्स मेरे बताए हुए तरीके से बनाकर ज़रूर देखिएगा, बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।